तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आखिरी मरहला शुरू हो गया है। इमरान खान ने मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं का आम इजलास तलब कर लिया है। इख्तलाफ न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो अपनी रिहायशगाह जमान पार्क लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी मरहले से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर लॉन्ग मार्च के काफिलों के हवाले से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च पहुँचने पर कारकुनों की शिरकत और आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि रावलपिंडी में कारकुनों को किस मुकाम पर इकट्ठा किया जाएगा। इजलास में फवाद चौधरी और मुसरत जमशेद छीमा समेत दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र जमान पार्क के एतराफ में सख्त हिफाजती इंतजाम भी कर लिए गए हैं। वाज़े रहे कि इमरान खान ने 26 नवंबर को अवाम को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दी है। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान ने कहा कि अवाम मेरी कॉल पर 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचे। मैं कौम से कहता हूं कि इस वक्त आप घर में नहीं बैठ सकते। ये जो सब कुछ हो रहा है ये गुलामी है।